मथुरा जी टिकट मिल गया है लोकसभा गिरिडीह से, क्या कहेंगे इस पे? इसमें कहना क्या है, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हम आने वाला दिन लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और यह तानाशाह सरकार के विरोध में हम लोगों का संघर्ष का बराबर हम लोगों ने साथ दिया है और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही मोटा मोटी हम लोग केंद्र सरकार से इसको हम लोगों ने हमारा मुद्दा सांप्रदायिक सद्भाव को बनाना है, महंगाई से निजात दिलाना है जनता की, इसी मुद्दों को लेकर। गिरिडीह में एक युवा नेता जयराम महतो उतरे खड़े हुए हैं, कितना फर्क पड़ेगा? ये सब तो पब्लिक का काम है, जनता का काम है, वोटर का काम है, वो जिसको भी सहमति दे। पब्लिक सब देख रहा है, पब्लिक अपना जनता अपना मत देगा। लोग हम भी उतरे हैं, हम भी हमारा पार्टी हमको रखा है, पब्लिक अगर समझेगी निश्चित रूप से हमको वोट देगी। आज हम बताना चाहते हैं कि आज जो केंद्र में बैठे तानाशाह सरकार जो बैठा है, किसी से छुपा नहीं है, उन्होंने कितना झूठ बोलकर हम जनता से वोट लिया और राज्य में आज विभिन्न प्रांतों में जहाँ जहाँ इनका गठबंधन का सरकार नहीं है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उस सरकार को किस रूप से इन्होंने ईडी और सीबीआई के मार्फत हमारे दिल्ली और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को जेल में भेजा। और इतना ही नहीं, जिस प्रांत में प्रचार पश्चिम बंगाल और जहाँ कहाँ भी इन्होंने यह प्रयास किया है कि लोकतंत्र को ही हम आज तहस नहस कर देंगे। आज लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और लोकतंत्र में आप बताना चाहते हैं कि यह जो लोकसभा का चुनाव आया है, इस चुनाव में आप ये तानाशाह सरकार को आप बदल सकते हैं। वो शक्ति आप जनता में है, अगर आप चाहें तो एक एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को दे और ये तानाशाह सरकार को आप हटा सकते हैं। और रणनीता महंगाई चरम पर है, आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने महंगाई 15 लाख करके खुलासा देंगे, ये सब बोल रहा है बाद में कि ये जुमलाबाजी है। तो ये जुमलाबाजी को हम तभी हटा सकते हैं जब हमारा वोट महागठबंधन में जाएगा और ये हमारा सेमीफाइनल है। इसमें अगर उनको हम प्राप्त करते तो आने वाला दिसंबर में पुनः हम राज्य में माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से हमारा नेता यही थे मथुरा महतो जी, जो गिरिडीह से लड़े हैं और जयराम महतो से इनका सीधा टक्कर होने वाला है।